सो हेलो गाइस, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ बिगनर क्लासेज में। सो गाइस, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर, और उसमें क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3.5 को आज पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। और उससे पहले दो थ्योरी हमको जानना है, वो क्या जानना है, तो है प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड और फैक्टर थ्री गुणनखंड वृत्त। ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमको ये बताइए पीछे जितना लेक्चर लिए हैं आप वो रेगुलरिटी ले रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं लेंगे तो ये सब समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले काम ये कीजिए, शुरू से देखते हैं कोई भी चीज़ में रेगुलरिटी, एक सीरियल वाइज आप पढ़ाई करेंगे ना तो अच्छे समझ में आएगा। अब मालूम चले कि पीछे का लेक्चर देखे नहीं और ये देखना तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सो गाइस चलिए अब टाइम को बिना स्पेंड किए हुए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आइए अब समझते हैं क्या होता है प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, सो गाइस चलिए हम आपको बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं। जैसे हम निकालते हैं किस का अभाज्य गुणनखंड, 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब देखिएगा अभाज्य गुणनखंड निकालने का नियम क्या है, इसको सबसे छोटा अंक से काटना है। 24 सबसे छोटा अंक किसे किसे कटेगा, तो पहले देखिए 24 किस किस से कटता है ये देख लीजिए। देखिए 24 दो से कटेगा, 3 से कटेगा, और 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और 12 से भी कटेगा, और किसे कटेगा, 24 से कटेगा। लेकिन इन सबसे तो कट जाएगा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटा अंक से काटते हैं। और इसमें सबसे छोटा अंक क्या है, तो 2 है, तो यहां किसे कटेगा, ये 2 से कटेगा। अब 2 में 24 से भाग देंगे तो 2 में 24 से आपको भाग देने आता होगा। ठीक है, कितने बटन जाएगा, 2 एक अन्य 2, ये पूरा पूरा कैंसिल, यहाँ 4 बच गया। अब 2 में 2 दूना करेंगे तो 4 हो जाएगा, कट गया। कितने मत में कटा है, 12 मत में। तो 2 में भाग दिए 24 और कितने मत में कटा है, 12 मत में, तो यहाँ का लिख देंगे 12। इतना समझ में आया, अब आ गया क्या यहाँ पे 12। अब बताइएगा 12 किस किस संख्या से कटता है, तो आप बोलेंगे सर 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, और 12 से कटता है, आप यही हमसे बोलेंगे। तो हम बोलेंगे लेकिन इसमें सब तो संख्या लिखना नहीं है, हमको लिखना क्या है, सबसे छोटी संख्या। अब इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है, तो है 2, तो यहाँ किससे काटेंगे इसको, 2 से। हमेशा छोटी संख्या से ही काटते हैं, उसके बाद नहीं आएगा तब आगे का संख्या लेते हैं कि किससे कटेगा, 2 से। तो 2 में अगर 12 कितने मत में आएगा, 2 छक्के 12, 6 मत में कट जाएगा। अब ये भी भाग देना समझाना पड़ेगा, तो समझ जाइए आपको भाग देना नहीं आता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 2 में हम किसे 12 में भाग देंगे तो कितने मत कटेगा, 6 मत में, और ये पूरा के पूरा कैंसिल, तो 6 मत में आया तो वही 6 वहां लिखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं 6, अब बताएंगे कि आप ही 6 किस किस संख्या से कटता है, तो आप बोलेंगे सर 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, और 6 से भी करता है, आप यही जवाब देंगे। हम पूछे हैं कि 6 किस किस संख्या से कट जाता है, तो आप कहेंगे सर 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो हम आपको क्या बोले हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या लेना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, तो किससे कटेंगे, 2 से कटेंगे। ठीक है, तो 2 में 6 से भाग देंगे कितने मत में कटेगा, 2 3 6 3 मत में कट जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3। फिर यहाँ इसे करेंगे, अब पूछेंगे 3 किससे करता है, तो अब बोलेंगे सर 3 बस 3 से ही करता है। क्या बोलेंगे, सर 3 3 से ही करता है, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से ही काट देंगे, और 3 के टेबल में 3 कितने मर्द में आएगा, तो एक ही मर्द में आता है, कट के एक हो गया। अब कोई काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक तो एक ही होता है। अब देखिएगा, अब हम 24 का क्या निकाल दिए, 24 का क्या निकालना था, प्राइम फैक्टर। तो 24 का प्राइम फैक्टर यही हो गया क्या, 2 × 2 × 2 × 3। कोई अब बोल देगा 24 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, तो 2 × 2 × 2 × 3। इसी को ऐसे लिख दीजिए, किसी भी संख्या का अब इसे ही निकालेंगे क्या, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या कैसे निकालेंगे, उसी का ऐसे फैक्टर करके डिवाइड करते जाएंगे सबसे छोटा अंक से। ठीक है, सो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखेंगे, गुणनखंड ब्रिज, गुणनखंड ब्रिज यानी कि फैक्टर ट्री। फैक्टर माने जानते हैं ना गुणनखंड होता है, ट्री माने क्या होता है, पेड़। अच्छा ये बताइए, आप पेड़ तो देखे होंगे, पेड़ कैसा होता है, आप बताइए पेड़ कैसा होता है,
ऐसे ऐसे इसका डाली होता है ना, और ऐसे करके मान लीजिए हमको बनाना नहीं आता है, थोड़ा हम वीक है इसमें, ठीक है। और पेट से ऐसे टहनी निकलता है, अब टहनी में से टहनी निकलेगा, फिर इससे निकलेगा, फिर इससे निकलेगा, फिर ऐसे जाएगा, इससे निकलेगा, टहनी से टहनी निकलता है, ऐसे निकलता है ना पेड़, ऐसे जाएगा इसके टहनी से, इसके टहनी निकलेगा, फिर ऐसे जाएगा तो इसके टहनी से निकलेगा, इसके टहनी से निकलेगा, फिर इसके निकलेगा, इससे मतलब एक डाल से दूसरा डाल से तीसरा डाल निकल रहता है, देखे ना ट्री। तो बस इस मेथड में उसी मेथड का यूज करेंगे, पेड़ के जैसा ही इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम आपको ट्री मेथड समझाते हैं क्या होता है। ये लिखते हैं 24, सेम डिजिट ले लेते हैं। अब हम इसको कहेंगे कि 24 को ट्री मेथड, क्या ट्री मेथड से इसको सॉल्व कीजिए, फैक्टर ट्री, ठीक है, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड क्या करना, ब्रिज, गुणनखंड मतलब ट्री मेथड, ठीक है। अब ट्री मेथड के रूप में तोड़ना है। अब बताइएगा 24 किस किस संख्या गुणा करेंगे तो आ जाएगा। देखिए आप कहेंगे सर 24 अगर हम 6 में 4 का गुणा करेंगे तभी भी 24 आ जाएगा, आएगा ना। 6 और किसे करेंगे, 12 में अगर 2 का गुणा करेंगे तभी भी 24 आ जाएगा, आएगा ना। मतलब आप जिस तरह चाहें और आ सकता है, 8 तरीके भी 24 होता है, 8 में 3 का गुणा करेंगे भाई 24 आ जाएगा। तो इस किसी के रूप में इसको तोड़ दीजिए, ये तोड़ देते हैं 24 को। देखिए 24 को तोड़ेंगे कितना, किससे गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, 6 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा, यानी कि 6 चौको 24 आ जाएगा। अब इसको कब तक तोड़ना है, जब तक एक अभाज्य संख्या ना आ जाए। अब बताइएगा क्या 6 एक अभाज्य संख्या है, क्या 4 एक अभाज्य संख्या है, नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। हमको लाना क्या है, एक अभाज्य संख्या लाना है, तब इसको अभाज्य संख्या में हमको लाना है। तब 6 को भी किस तरह तोड़ेंगे, 6 को आप 2 में मल्टीप्लाई 3 करके तोड़ सकते हैं ना, और 3 दूना भी 6 करते हैं, ये होता है ना, ऐसे तोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात हुआ। इसको कैसे तोड़ेंगे, 6 को भी कैसे तोड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिएगा 2 भी एक अभाज्य संख्या, 3 भी एक अभाज्य संख्या, 2 भी एक अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या। अब तो अभाज्य संख्या की अभी आगे नहीं टूटेगा, तब तक तोड़ते हैं ट्री मेथड में। कब तक तोड़ते हैं, जब तक कि एक अभाज्य संख्या ना आ जाए। अब बताइएगा 4 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं है, क्या बोलेंगे नहीं है, क्योंकि एक भाज्य संख्या है, क्यों भाज्य संख्या बता दी, सब पढ़ा दिए पीछे आपको। तो इसको तोड़ेंगे 4 को, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखिए ये भी एक अभाज्य संख्या, ये भी एक अभाज्य संख्या, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, 3 में 2 गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 में 4 गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। तो ये होता है ट्री मेथड। देखिए एक पेड़ से एक पेड़ निकला, उसके टहनी से एक और टहनी निकला, ठीक है। एक और इस पर समझाते हैं। सो गाइस आइए अब देखते हैं 36 को ट्री मेथड में तोड़ना है, ट्री मेथड के रूप में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ट्री फैक्टर ट्री समझ गए ना, गुणनखंड ब्रिज मतलब पेड़ के रूप में जैसे समझाए ऐसे ऐसे इसको तोड़ना है। अब बताइएगा 36 को किस किस रूप में तोड़ सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 6 में अगर 6 का गुणा करेंगे तभी भी 36 आ जाएगा, ये नहीं कहेंगे। 12 में अगर 3 का गुणा करेंगे 12 3 36 तभी भी 36 आ जाएगा। 9 में अगर 4 का गुणा करेंगे तभी भी 36 आ जाएगा। अब चाहे तो जिससे भी करके यहां लिख सकते हैं, आप जो बोलेंगे, चलिए ये लिख लें, जो बोलेंगे वो लिखेंगे, आएगा वो आंसर, ठीक है। 9 में चलिए मल्टीप्लाई पर चेक कर लेते हैं किसका 4 था, तो ये लिखना जरूर नहीं होता है, क्वेश्चन में कर लेते हैं। 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। दो रूप में तोड़ दिए, आप कोई भी तोड़ सकते हैं, 12 में 3 भी कर सकते हैं, आप जो मन के तो बना लीजिए, लेकिन गुणा करने पर 36 आना चाहिए। अब इसको कब तक तोड़ेंगे बताया ना, जब तक एक अभाज्य संख्या न आ जाए। तो अब 9 को तोड़िए, 9 एक अभाज्य संख्या कब आएगा, इसको पहले तोड़िए। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, आएगा ना। 3 में गुणा करेंगे 3 का तो 9 आ जाएगा। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी प्राइम, ठीक है। दोनों अभाज्य संख्या आ गया, अभी आगे नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। अब 4 को तोड़िए, 4 को भी तोड़िए, 2 दूना 4, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, देखिए टूट गया अभाज्य अभाज्य। हमेशा इसको कब तक तोड़ना है, जब तक कि एक अभाज्य संख्या न आ जाए। सो गाइस उम्मीद करते हैं कि दोनों आपको समझ में आ गया होगा मेथड, और इसी मेथड का आगे यूज करेंगे, और इस और जो पीछे का रूल बताए हैं डिजिबिलिटी का रूल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे मिलेगा, और उसको बहुत अच्छे से हम डिफाइन करेंगे एक ही क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करेंगे क्या, एक्सरसाइज नंबर 3.5 को पूरा सॉल्व करेंगे, और हम इसमें क्वेश्चन नोट कर लिए ताकि कितना इसमें क्वेश्चन लिखेंगे बहुत दिक्कत होगा। हम आपको ब्लैक बोर्ड पर दे रहे हैं, वहीं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, और हमको भी देखने के लिए चाहिए क्वेश्चन बताने के लिए, इसलिए हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम आपको जल्दी जल्दी और अच्छे डिफाइन कर सके। अब बताइए क्वेश्चन अगर यहाँ लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए स्क्रीन पर दे दिए। अब मान लीजिए यहाँ स्क्रीन है, यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे तो जगह ही नहीं बचेगा, इसके वजह से हमको इस पर लिखना पड़ता है। सो गाइज चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि कह रहा है यदि कोई संख्या
तीन से विभाज्य है। यदि कोई संख्या तीन से विभाज्य, अच्छा कोई संख्या तीन से विभाज्य है तो वह संख्या नौ से भी विभाज्य होगा। अच्छा कोई संख्या तीन से विभाज्य, अच्छा ठीक है, इक्कीस, इक्कीस तीन से तो कट जाता है ना, तीन सत्ते इक्कीस कट जाता है, तो क्या यही संख्या नौ से विभाज्य हो रहा है? यही तो बोला है ना, यदि कोई संख्या तीन से विभाज्य, विभाज्य माने कट जाना, ठीक है, भाग देना, तीन से विभाज्य तो हो जा रहा है, सही है, तो वह संख्या नौ से विभाज्य होगी। नौ से कहां कट रहा है, नौ के पास में इक्कीस कहां आता है, तो नहीं होगा, ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। बोल रहा है यदि कोई संख्या तीन से विभाज्य हो तो नौ से विभाज्य होगी, नहीं, बिल्कुल गलत बोला, कहां नौ से विभाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये गलत है, हमको सही वाला बताना है। तो अब बी देखते हैं, बी क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या नौ से विभाज्य है तो नौ से विभाज्य तो मान लेते हो संख्या अठारह है, नौ से विभाज्य कोई भी मान सकते हैं, नौ से विभाज्य कोई भी मान सकते हैं आप, कह रहा है यदि एक संख्या नौ से विभाज्य है, ठीक है, नौ लिख दिए तो इसको नौ से विभाज्य मतलब नौ से पूरा पूरा कट जा रहा है, देखें नौ दुना अठारह, हाँ कट जा रहा है, ठीक है, तो वह संख्या तीन से भी विभाज्य होगी। अच्छा देखते हैं, अठारह क्या तीन से विभाज्य हो रहा है, तीन छके अठारह, हाँ कट जा रहा है, यानी कि यह नियम सही है, यदि संख्या नौ से विभाज्य तो संख्या तीन से भी विभाज्य हो जा रहा है। आप थ्रू एग्जाम्पल देख लीजिए, बोला है यदि संख्या है एक संख्या नौ से विभाज्य है, तो एक संख्या मान लिया अठारह है, नौ से विभाज्य है, बोल रहा है क्वेश्चन में है, तो हम इसलिए अठारह मान लिए, अठारह जब आप कुछ भी मान सकते हैं, आप अठारह जब क्या मान लीजिए, मान लीजिए नौ के टेबल में जो भी है, अठारह दूना नौ अठारह सत्ताईस मान लीजिए, सत्ताईस मान लेते हैं, नौ से भाग देख लीजिए, नौ त्री सत्ताईस, तो सत्ताईस देखिए तीन से भी कट रहा है, तीन नवा सत्ताईस कट रहा है, यानी कि ये सही है, ये बोल रहा है कथन पूछा था ना कौन सा कथन सत्य, ये सही है, देख रहे हैं ना, जो संख्या नौ से कट रहा है वो संख्या तीन से भी कट रहा है, लेकिन ऊपर जो बोला था तीन से कट रहा है तो नौ से कटे नहीं होगा, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन ए में सी नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सी क्या बोल रहा है, एक संख्या अठारह से विभाज्य है, तो एक संख्या अठारह से विभाज्य, अठारह से कौन कौन संख्या विभाज्य होगी, अठारह होगा और छत्तीस भी हो जाएगा, अठारह चौवन भी हो जाएगा, बहत्तर भी होगा, ठीक है, ये सब विभाज्य। अब इसमें से कोई भी एक संख्या ले लीजिए, बोल रहा है ना क्वेश्चन में एक संख्या अठारह से विभाज्य है, तो एक संख्या अठारह कोई भी ले, छत्तीस ले लें, चलिए छत्तीस ले लेते हैं, ये अठारह से पूरी पूरी कट जाता है, अठारह दून अठारह दूना छत्तीस, दो मत में कट गया, तो आगे बोल रहा है तो वह संख्या तीन और छह दोनों से विभाज्य होगी, तीन और छह दोनों से विभाज्य होगी, चलिए छत्तीस सूचक करते हैं, क्या छत्तीस तीन से कटता है, क्या छत्तीस छह से कटता है, देखते हैं, ये तीन एक तीन और तीन दून छो कट जा रहा है बारह मत में, और ये छाचावक छत्तीस कट जा रहा है, हाँ क्वेश्चन सही है कि जो संख्या अठारह से कट रहा है वह क्या हो रहा है, तीन से भी और छह से भी कट रहा है, कट रहा है ना, आपके सामने रिजल्ट है, आप चाहे तो छत्तीस भी ले सकते हैं, छत्तीस तो ले लिए, अठारह भी ले सकते हैं, चौवन भी ले सकते हैं, अगर चौवन भी ले लेंगे तो देखिए ये भी किससे कटेगा, तीन से भी कट जाएगा और चौवन छह से भी कट जाएगा, ठीक है, दोनों से कट जाएगा, ठीक है, कट जा रहा है ना, यानी कि ये क्वेश्चन सत्य है, ये सत्य है, ठीक है, सही। सो गाइस आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है, ए में डी क्या बोल रहा है, एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है, तो 9 और 10 दोनों से विभाज्य है, 9 और 10 दोनों से क्या है, वो विभाज्य है, तो 9 और 10 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन होगा, एक तो 90 हो गया ना, और किसी क्या क्या होगा, 180 हो जाएगा, ये भी 9 से कटेगा, ऐसे आगे चलता जाएगा, तो आगे क्या बोल रहा है, एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 90 से भी विभाज्य होगा, देखते हैं, मान लीजिए वो संख्या क्या मान लेते हैं, कोई मान लीजिए इसमें ले लेते हैं 90 ही ले लेते हैं, तो 90 से देखिए 9 भी कट जाता है, कट जाता है ना, 9 दहा में 90, और 90 किसे कर 10 भी कट जाता है, तो पूछ रहा है आगे क्या बोले, क्या वो संख्या 90 से भी कटेगा, हाँ देखते हैं, 90 में 90 से भाग देते हैं तो कट जाएगा, इससे भी कट गया, चाहे तो आप 180 को भी चेक कर सकते हैं, तो 180 को भी चेक कर लीजिए, क्या 9 से कटता है, 9 दूना 18, 20 मिनट में कट गया, अब किसे चेक करते, 180 को और किसे चेक करेंगे, 10 से भी चेक करेंगे, 0 0 कट गया, बच गया क्या 18, अब क्या करेंगे, क्या 90 से भी 180 कटता है, तो देख लीजिए 90 से 9 दूना 18 ये भी कट गया, यानी कि ये क्वेश्चन सही है, जो क्वेश्चन बोला है एकदम सही है, आपके सामने प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। सो गाइस आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर ई इसमें है, बोल रहा है यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हो तो उनमें से कम से कम एक अवश्य अभाज्य संख्या होगी, तो सअभाज्य संख्या बताएं जो हमेशा पेयर में आता है, जैसे तीन और चार क्या है, एक सअभाज्य है, जैसे और क्या बताएंगे, पांच और तीन क्या है, एक सअभाज्य है, इसी तरह बताएंगे आठ और सात क्या है, एक सअभाज्य है, इसी तरह कहेंगे क्या ग्यारह और तीन क्या है, एक सअभाज्य, ऐसे ही अनंत लिख सकते हैं। अब सअभाज्य संख्या कैसे लिखते हैं, आपको समझा दिए पिछले क्लास में,
जिनका मौसक क्या हो, जिनका गुणनखंड प्राइम फैक्टर कितना हो, एक हो। देखो इनका भी प्राइम फैक्टर, दोनों का प्राइम फैक्टर निकालें तो एक हो, दोनों में एक कॉमन हो, केवल एक से कटे। ये दोनों के दोनों किससे कटेगा, एक से कटेगा। यही दोनों दोनों किससे कटेगा, केवल एक से कटेगा। ये भी दोनों कुछ कटेगा, एक से कटेगा। ये भी दोनों किससे कटेगा, एक से कटेगा। कहने मतलब ये है, ठीक है, जो केवल एक से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये समझिए, क्वेश्चन में बोल रहा है यदि दो संख्याएं स अभाज्य हो, यदि दो संख्याएं स अभाज्य, यही ना है, दो संख्या स अभाज्य हो तो इनमें से कम एक, मतलब कम से कम एक अवश्य अभाज्य संख्या होगा। अच्छा देखते हैं इसमें, बताइए अभाज्य संख्या कौन है, तीन एक अभाज्य संख्या है और ये क्या है, भाज्य संख्या। ये तो सही है, इसमें भी अभाज्य संख्या है ना, कम से कम एक होना चाहिए। क्या इसमें भी है, इसमें भी अभाज्य संख्या है, दोनों इसमें अभाज्य है ना, इसमें भी अभाज्य है, एक होना चाहिए। इसमें दो हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। अब बताइएगा आठ एक अभाज्य है, नहीं, आठ क्या है, एक भाज्य संख्या है, आठ एक भाज्य संख्या। और लेकिन सात क्या है, अभाज्य। सब में देख लीजिए अभाज्य आ रहा है, सब में अभाज्य आ रहा है ना, ये भी ग्यारह भी अभाज्य आ गया, आ रहा है ना, सब में अभाज्य संख्या आ रहा है। कोई डाउट है, सब में क्या आ रहा है, अभाज्य संख्या आ रहा है। तो क्वेश्चन एक क्लियर हो गया कि दो स अभाज्य संख्याओं के बीच में हमेशा एक क्या आएगा, अभाज्य संख्या आएगा। देखिए तीन एक अभाज्य संख्या, पांच भी अभाज्य संख्या, तीन भी अभाज्य संख्या, ऐसे ही करके आप कोई भी लिखना चाहें, पंद्रह और सात लिखेंगे, इसका भी देख लीजिए, पंद्रह देखिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। सब चीज में हर एक पेयर बनाएंगे, सब में क्या आएगा, एक अभाज्य संख्या आ रहा है। देखिए आपके सामने हम निकाले तो एक अभाज्य संख्या आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन क्या सही है, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर यब, यब क्या बोल रहा है, चार से विभाज्य सभी संख्या आठ से विभाज्य होंगे। तो चार से कौन कौन संख्या विभाज्य होती है, चार से चार भी कटता है, चार से आठ भी कटता है, बारह भी कटता है, इंगे सोलह अनंत तक जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चार से विभाज्य सभी संख्या आठ से विभाज्य होंगी। अच्छा चार से विभाज्य सभी संख्या आठ से विभाज्य होगी, चार से विभाज्य सभी संख्या, जैसे आठ ले लेते हैं, जैसे बारह ले लेते हैं, सोलह ले लेते हैं, तो चार से विभाज्य करके देखते हैं, चार दूना आठ, चार से तो कट गया, लेकिन क्या आठ आठ से भी कटता है, हाँ यहां तो कट जा रहा है, लेकिन यहां पर देखिए बारह में चार से भाग देगा, चार तियाई बारह कट गया, लेकिन बारह में आठ से भाग देने पर कहां कट रहा है, एक में तो हो गया लेकिन इसमें कट रहा है। इसमें बोला है चार से विभाज्य सभी संख्याएं आठ से भी अवश्य विभाजित होगी, आठ से कट रहा है, नहीं कट रहा है। सोलह देख लीजिए, सोलह चार से तो कट जा रहा है, लेकिन क्या सोलह आठ से भी कट जा रहा है, लेकिन आगे देखिए सोलह दिनों बाद सोलह सोलह के बाद कितना बीस होगा। अब बीस देखिए चार से तो कट जा रहा है, लेकिन बीस क्या आठ से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हर जगत नियम नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें बोला अवश्य विभाजित होती है, यानी कि ये क्या बोला, गलत है, अवश्य बोला है तो यानी गलत है। आपके सामने प्रूफ है, देखिए ये भी नहीं कट रहा है आठ से, चार से कट जाए लेकिन आठ से नहीं कट रहा है। यहां पे देखिए, यहां पे तो आठ से चार कट जाए, यहां भी कट जाए, लेकिन यहां पे नहीं कट रहा है। देखिए यहां चार से बारह कट गया, लेकिन यहां आठ से बारह नहीं कट गया। आपको प्रूफ हो गया कि कैसे होता है, एग्जाम्पल में समझा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जी जी नंबर क्या बोल रहा है, आठ से विभाज्य सभी संख्या, तो आठ से विभाज्य कौन कौन संख्या होंगे, आठ होगा, सोलह होगा, और क्या आठ में सोलह आठ तरीके चौबीस, आठ चौक बत्तीस, जो भी उसका टेबल होता है वही लिख लेंगे, ठीक है। आठ से विभाज्य सभी संख्या चार से विभाजित होंगी। अच्छा तो ये ले मान लीजिए आठ ले लेते हैं, आठ आठ से तो पूरा पूरा कट जाता है, तो क्या आठ चार से भी कटता है, चार दूना आठ, हाँ कट गया, एक से तो क्लियर हो गया। और एक चेक कर लेते हैं, सोलह क्या आठ से कटता है, चार आठ दूना सोलह, अब देखते हैं क्या सोलह चार से कटता है, तो चार चौको सोलह, यानी कि यहां से एक चीज क्लियर हो गया, जो संख्या आठ से कट रहा है वो संख्या चार से भी कट जा रहा है। यहां तो सही है, यहां जस्ट उसका उल्टा बोला था, यहां उसका सीधा बोला है। सो गाइस आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। सो गाइस आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर यच, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करते, कोई संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए दो है, मान लीजिए दो मान लेते हैं, वो क्या दो है, दो संख्याओं को अलग अलग विभाजित करते हैं, दो तो दो चार को भी काट देगा और छह को मान, ये मान लेते हैं अपनी जगह पर, ठीक है। बोला है यदि कोई संख्या दो संख्याओं को, ये एक संख्या हो गया और ये दो संख्या हो गया, बोला है यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग विभाजित करती है, यही बोला है। आगे देखिए क्या बोला, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरी तरह विभाजित करती है, यानी कि दो से चार भी कटता है और दो से छह भी कटता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, बोल रहा है यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करती है, बोल रहा है यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो उनके योग, तो उनका योग क्या, चार और छह का योग कितना होगा, दस,
चार और छह का योग कितना, वही संख्याओं का योग कितना, दस। तो उनके योग योग को भी पूरी पूरी विभाजित करेंगे। अच्छा मतलब जो योग आ गया इनका दस, क्या है दस को दो से पूरी पूरी विभाजित करने में कट रहा है, हाँ कट जा रहा है, दो पच्चीस दस। यानी कि यदि कोई संख्या है दो, दोनों संख्या को पूरी विभाजित कर लिया है तो इन दोनों संख्या को जोड़ने पर वो संख्या इसको भी पूरी पूरी विभाजित करता है। जैसे एक संख्या और लेते हैं, मानते हैं छ और क्या छ और नौ मान लेते हैं, बताइए छ कौन संख्या है जो इन दोनों को पूरी पूरी काटता है। तो हम मान लेते हैं तीन, तीन जो है देखिए तीन छह से भी कटेगा नौ से भी कटेगा, हो गया। तो कहने मतलब अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या तीन तभी भी कट रहा है, तो जोड़ के देखिए नौ छो पंद्रह, अब तीन से भाग देंगे तीन पचे पंद्रह, कोई भी कंडीशन लिखाएंगे तो सही आ रहा है ऑप्शन, देख रहे हैं। यानी कि अगर जो संख्या तीन तीन अगर इन दोनों को काट रहा है तो इन दोनों को जोड़ने पर भी तीन काट रहा है, यही कह रहा है क्वेश्चन, यानी कि ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक है ना। सो गाइस आइए इसमें आज का लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है यदि कोई दो संख्याओं के योग, तो यदि कोई दो संख्या मान लेते हैं, मान लेते हैं थ्री और फाइव, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है आप फ्री हैं, कोई संख्या बोले कुछ भी मान सकते हैं। बोल रहा है यदि कोई दो संख्याओं के योग, इन संख्याओं के योग करते हैं और जोड़ेंगे तो कितना आ गया, आठ आ गया। बोला है यदि कोई दो संख्याओं के योग को पूरी पूरी विभाजित करता है, कोई संख्या है कोई भी संख्या मान लीजिए जो दो संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित करता है, तो इस बताइए इसके कौन संख्या विभाजित करेगा पूरी पूरी, देखिए इससे कौन को कटेगा, ये तो दो कटेगा आठ को, चार भी कटेगा और आठ भी कटेगा। तो पहले दो चेक कर लेते हैं, दो से ही पूरा पूरा कट जाएगा ना, कटेगा कितने मत में, चार मत में कट गया। आगे देखिए यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करता है, देख रहे हैं पूरी पूरी विभाजित कर इनको जोड़े हैं, योग करने योग मैंने जोड़ होता है और इसको जोड़े हैं तो दो से काटें तो पूरी पूरी विभाजित हो जा रहा है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगा। मतलब दो जो है जो इसे काटने पूरा पूरा कट गया तो इनको अलग विभाजित करेगा, कट रहा है, तीन में दो से भाग देने में कहां कट रहा है, पांच में दो से भाग देने में कहां कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। चलिए एक और इस पर समझाते हैं, जैसे और कोई भी संख्या ले लीजिए, पांच और कुछ भी लेते हैं, पांच और दो ले लें एक ले लें, चले पांच और एक ले लेते हैं, पांच एक पांच एक क्या होगा, छह होगा योग, अभी से किसको काट, तीन से भी काट दीजिए, चलिए तीन से करके देख लीजिए, तीन से तो पूरा पूरा कट गया, लेकिन क्या तीन इनको अलग अलग भी काट रहा है, पांच में तीन कटेगा कभी नहीं कटेगा, पांच से तीन कभी नहीं कटेगा, एक से तीन कभी कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए गलत है। सो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। सो गाइस आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष है, एक 60 है यहाँ एक 60 है, उनको दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष के रूप में दिए गया है। ठीक है, तो इनमें से अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब जो ये क्वेश्चन मार्क है इसका मान ज्ञात करना, इसमें है दो क्वेश्चन है, देखिए 60 को देखिए 6 में 10 का गुणा करेंगे तभी भी 60 आएगा और 30 में ऐसे क्या गुणा करेंगे तब 60 आएगा, ये सब बताना है। ठीक है, तो पहले ये देखिए हम 60 को बताए थे ना कई रूप में तोड़ सकते हैं, आप 60 को किस तरह तोड़ सकते, 10 छके 7 तोड़ दिया और किस तरह तोड़ सकते, जिस तरह चाहे 20 60, लेकिन यहां पर क्या हुआ है 6 और 10 में तोड़ा है तो हमको यही लेना है। ठीक है, ये वाला नहीं लेना है। तो देखिए अब 6 को हमको तोड़ना है, तो 6 को तोड़ने के लिए 2 में किसका गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 में किसका गुणा करेंगे तो 3, 2 में 3 का गुणा करेंगे तब क्या आएगा 6, तो यहां पर क्या बढ़ाएगा 3, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। ठीक है, अब देखिए अगर 10 है तो 5 में किसका गुणा करेंगे तो 10 आएगा, तो आप यहां क्या गुणा करेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये हो गया अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर ली, कितना इजी है बताइए। अब फिर यहां भी 60 को देखिए, अब इसमें किसको तोड़ा है, ये 30 में कितना गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे तब क्या आएगा 60 आएगा, तो 60 को हमको दो रूप में तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड में, तो 31 यहां हो गया, तो इसमें किसका गुणा करेंगे तो 60 आएगा 2 का, 30 में 2 का गुणा करेंगे तब 60 में आएगा। ठीक है, और ट्री मेथड बताए थे हमेशा कहां तक टूटते हैं, जब तक कि क्या आ जाए अभाज्य संख्या न आ जाए, यानी प्राइम नंबर, देखिए ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य तब तक तोड़ा जाता है। तो देखिए 2 तो अभाज्य संख्या है, ये तो अब नहीं टूटेगा, अब टूटेगा तो 30 टूटेगा, तो 10 अब बताइए 10 में किसका गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 10 में किसका गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 10 में किसका गुणा करेंगे 3 का, 10 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। देखिए अब ये भी अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य हो गया,
अब बचा है 10, 10 अभाज्य नहीं ना, ये भाज्य संख्या है तो इसको भी तोड़ेंगे। अब बताइएगा यहां दोनों जगह गैप है, दोनों जगह खाली स्थान है, अब 10 को हमको तोड़ना है तो क्या तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में, तो क्या तोड़ देंगे बताइए, 5 मल्टीप्लाई अगर 2 करेंगे तो 5 दूना 10 होगा, ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य, तो यहां क्या भर देंगे 5 और यहां पर क्या भर देंगे तो 2। सो गाइस उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो गाइस चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, गाइस आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देखिएगा, एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या। सो गाइस आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कोई मान सकते हैं ना, देखिए भाज्य संख्या 4 भी होता है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 15 भी है, ठीक है, ये कोई भी एक मान लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड, तो पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ये क्या होगी भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या जो 2 को छोड़कर किसी भी संख्या से कट जाए, तो इसको निकाल लेते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, बताया ना इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, सबसे छोटा अंक 2 से देखेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो अब किसे करेंगे 3 से चेक करेंगे, 3 पचे 15, अब फिर किसे कटेगा 5 से 1, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 3 और 5, ठीक है, 15 का भाज्य गुणनखंड क्या निकाल दिए 3 और 5। तो आगे क्या बोल रहा था, अब एक बार और क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, तो ये रहा अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो इसमें कौन सा गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया गया, तो देखिए पहले तो 15 हम लोग किस किस से करता है, 1 से भी करता है, 3 से भी करता है, 5 से भी करता है और 15 से करता है, इससे करता है, तो इसमें बोला कि इस अभाज्य गुणनखंड में इसमें क्या क्या नहीं सम्मिलित किया गया, तो 1 नहीं किया गया और क्या नहीं किया गया 15, तो 1 और 15 को अभाज्य गुणनखंड में नहीं सम्मिलित किया जाता, मतलब 1 और स्वयं की संख्या को अभाज्य गुणनखंड में नहीं सम्मिलित किया जाता है, यहां से आपको प्रूफ हो गया होगा, ठीक है गाइस। तो गाइस चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, गाइस आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 4 × 9 1, 2, 3, 4, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 × 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9, सब ये पीछे क्लास में बता दिए हैं, ये सारा का सारा बता दिए हैं, अभी यहां बताने की जरूरत नहीं, आप पीछे का लेक्चर जाइए देखिए क्लास 6 का पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार और देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए जो हम यहां लिख दिए हैं, ठीक है, और उसके अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी प्राइम फैक्टर ज्ञात करना है, बस प्राइम फैक्टर बता ही दिए आपको किस तरह निकालना है, बता दिया है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, प्राइम फैक्टर किससे निकालते हैं, पहले देखिए ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, आपको डिविटी का रूल बताया है, 2 से कटने का नियम क्या है, लास्ट का जो अंक होता है 2 से कटना चाहिए, देखिए 2 से नहीं कटता है तो 2 से चेक नहीं करेंगे, उसके बाद किसे चेक करेंगे 3 से, बताया है ना, सबसे पहले किसे चेक करेंगे 2 से, उसके बाद 3 से, तब 4 से, तब 5 से, 6 से, ऐसे चलते जाएंगे, तो 2 से तो ये नहीं कटा, अब किसे चेक करेंगे तो 3 से, अब देखिए 3 के टेबल में 3, 9 कितने मर्त में आता है, 3 मर्त में आ गया, अब फिर किससे कटेगा, फिर किससे कटेगा तो 3 से काट दीजिए, तो 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, ये कितना हुआ 1111 हुआ, अब ये किससे कटेगा, तो किससे कटेगा 11 से कटेगा, 11 से काट दीजिए, 11 से काटेंगे तो कितना होगा 11 × 11, 1 मर्त में कट गया 11 करने, भाई 11 में ऐसे भाग दीजिए ना, 11 में किससे भाग देंगे 11 11 11, यही ना भाग दीजिए 11 × 11, कट गया, अब जब 1 अंक उतार 2 अंक उतारते हैं एक साथ, यहां 0 बढ़ा देते हैं तो कितने मर्त जाएगा 1 मर्त में, तो ये क्या हो गया 11 से 11 कट गया, तो यहां कितना आएगा 101 मर्त में कट जाएगा, अब 101 किससे कटेगा तो 101 से ही कटता है, 1 हो गया पूरा काट के हमारा कितना आ गया, तो अब कहेंगे 9999 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 3 × 3 × 11 × 101, तो आपका निकल गया क्या, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। सो गाइस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार। देखिए को अंक है एक दो तीन चार पांच, तो पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, कहेंगे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा तो क्या बोलेंगे आप, सर एक होगा। कहेंगे आपसे कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा तो आप कहेंगे सर दस होगा। अब कहेंगे तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा तो आप कहेंगे एक सौ होगा। अब कहेंगे आपसे चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा तो कहेंगे सर एक हजार होगा। ऐसे ही आप निकालते चलेंगे, बता दिए पिछले क्लास में। तो इसमें बोला था क्या, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक दो तीन चार पांच अंक लिख दिए। लिखने के बाद क्या बोला आगे, उससे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, बस इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, चलिए काटते रहिए। किसे कटेगा, पहले दो से काटते हैं, ठीक है। दो पचे दस, तीन जीरो ये उतार दीजिए, फिर काटिए किसे कटेगा, दो से, दो दूना चार, एक बचा दो पचे दस। आप घर पे इसी आराम से काटिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से भाग देकर काटिएगा, ठीक है। अभी अब फिर इसको काटिए, ये कितने में कटेगा, दो एकड़ में दो, ठीक है। और दो दूना चार, एक बचा दो पचे दस। अब फिर इसको काटिए, अब किसे कटेगा, फिर दो से काटिए। जब तक दो से काटना, जब तक कटे ना, ठीक है, जब तक दो से पूरा ना कट जाए, ठीक है, काटते रहिए। फिर कटेगा दो छक्के बारह, और दो दूना चार, और दो पचे दस। अब बताइएगा क्या ये दो से कटेगा, बताइएगा क्या ये अब दो से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट का जो अंक है दो से कटना चाहिए, तो पांच दो से नहीं कटता है। और जब किसी संख्या के अंत में पांच आता है तो संख्या किससे कटता है, पांच से कटता है, या शून्य आए तो भी पांच से कटता है। तो ये किससे कटेगा, पांच से कट दीजिए। पांच एक करने पांच, एक बचा तो बारह हो जाएगा, पांच दूना दस, या दो बचा पचवा पच्चीस। अब काटिए, अब किससे कटेगा, फिर पांच से कटेगा, लास्ट में पांच आ रहा है तो पांच दूना दस, या दो बचा तो पचवा पच्चीस, फिर लास्ट में पांच आया तो पच्चीस कटेगा, तो ये हो जाएगा पचवा पच्चीस, पांच हो गया, फिर पांच से कटेगा। अब इसका हम क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो एक हजार का हम क्या लिखेंगे, एक हजार है इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार, क्या होगा, दस हजार का क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अब यहां से लिखते चलिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो दो मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई दो, ठीक है, फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव, ये हो गया क्या आपका अभाज्य गुणनखंड। सो उम्मीद करते हैं गाइस आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइस। तो गाइस चलिए अब क्वेश्चन नंबर, तो गाइस आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। तो पहले हम क्या करें, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लें, उसके बाद उसको आरोही क्रम में लिख दें, उसके बाद बोला जो आप फैक्टर लिख रहे हैं उसमें कोई संबंध हो तो बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो बताए थे ना, सबसे पहले चेक करेंगे दो से नहीं कटेगा, तीन से चेक करेंगे तीन से भी नहीं कटेगा, ठीक है। इसको सबसे पहले किसे कटेगा, सात से काटिए, सात से, यहाँ सात में डिवाइड कर लीजिए किस से, 1729 का, ठीक है, ऐसे भाग दे दीजिए, सात दूना चौदह होगा, ठीक है, सात में चार जाएगा तीन, ये कट जाएगा, दो चार जाएगा सात चौको अट्ठाईस, चार मत में क्या होगा अट्ठाईस हो जाएगा, बारह में से आठ जाएगा तो चार, ये कट जाएगा। अब नौ चारेंगे तो सात सत्ते उनचास, सात से उनचास कट गया ना पूरा पूरा, तो कितने मत में कटा है, टू फोर सेवन मत में कट गया है। अब ये किससे कटेगा, तो इसको पहले हम रेज करते हैं, ठीक है। अब इसकी किससे कटेगा, इसको काट दीजिए तेरह से, तेरह से काट के देखिए, अब तेरह में भाग देंगे किससे, फोर टू सेवन में भाग देंगे, ठीक है। चलिए इसको भाग देकर देखते हैं कितने मत में जाएगा जी, तेरह वनजा तेरह, वन मत में कटेगा तो चार में तीन जाएगा तो एक, और दो में से एक जाएगा एक, आई सात हो जाएगा। अब ये कितने मत में करेगा, तेरह नवा कितना होता है, तेरह नवा एक सौ सत्रह, ठीक है। तो ये इसे कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया उन्नीस। अब बताइएगा उन्नीस उन्नीस से कटता है ना, और किसी से कटेगा नहीं, तो यहाँ उन्नीस मत में चला जाए तो ये वन हो जाएगा। अब कहेंगे 1729 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, सात मल्टीप्लाई तेरह मल्टीप्लाई क्या, तेरह मल्टीप्लाई उन्नीस उन्नीस। अब बोला था क्या, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम क्या होता है, तो बढ़ते क्रम, तो देखिए सात के बाद तेरह, तेरह बाद उन्नीस, ठीक है, बढ़ते क्रम में है। अब आगे देखते हैं क्या बोला था, तो आगे बोल रहा है, अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध हो तो बताइए।
अब इन दोनों क्रमागत एक साथ अभाज्य गुणनखंडों के बीच में कोई संबंध हो तो बताइए। अच्छा ये बताइए, अगर हम 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब क्या करें, अगर हम 19 में से क्या करें, 13 घटा दें तो कितना आएगा? 19 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से 3 जाएगा 6। यानी कि इन दोनों पारापारी अगर क्रमागत अभाज्य गुणनखंड ले रहे हैं तो वो घटाने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यही इनका बीच में संबंध है, उन दोनों का अभाज्य गुणनखंडों का अंतर 6 आ रहा है। ठीक है गाइस, सो गाइस उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 7 देखते हैं। आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर क्या 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। अच्छा, तो इस कथन को कुछ उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। वो बोल दिया है, बस हमको उदाहरण देना है। तो 3 क्रमागत संख्या लेना है। क्रमागत माने क्या होता है? क्रम से, मतलब एक है तो उसके बाद दो ही लेना है, दो के बाद तीन है तो तीन ही लेना है, ये नहीं कि तीन के बाद पांच ले लेना, नहीं। तो 3 क्रमागत संख्या कोई भी ले लेते हैं, तो एक ले लेते हैं और दो ले लेते हैं और तीन ले लेते हैं। आगे क्या बोलो, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल माने क्या होता है? गुणा। गुणनफल माने क्या होता है? गुणा। गुणनफल सदैव 6 से भाग देने पर विभाज्य हो जाता है। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6। या 6 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6। अच्छा, 6 से 6 में इसको भाग देने पर सदैव भाग्य हो जा रहा है, ये तो सही बोल रहा है। बोला है ना, 3 क्रमागत संख्या गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य हो जाता है, विभाज्य मतलब कट जाता है। तो यहाँ 6 से भाग दिए तो कट गया। और ले लेते हैं, अब 2 ले लेते हैं, 2 से क्रम से लेते हैं 2, 3, 4। अब इसका गुणा करके देखें क्या सच में 6 से ये भी कट रहा है। तो देखिए, 3 में 2 का गुणा करें 6, और 6 में 4 गुणा करें 24। अब देखिए कि 24 6 से पूरा पूरा कट रहा है, तो काट के देखिए 6 चौको 24, यानी कि पूरा पूरा कट जा रहा है। और लेके देख लें, चलिए और ले लेते हैं। तो 3 × 4 × 5, अब इसको भी देखते हैं, 5 चौको 20, अब 20 तिहाई 60। क्या 60 6 से पूरा पूरा कट जाता है? काट के देखते हैं, ये भी कट गया। यानी कि ये क्वेश्चन सच बोल रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं को लेने पर, उनका गुणनफल करने पर वो हमेशा 6 से कट जा रहा है। तो उदाहरण बोला था, उदाहरण 3-3 को दे दिए हम, देख लीजिए। ठीक है गाइस, सो गाइस चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 8 सेम 7 जैसा, जैसे बोलेगा वैसे कर देना है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है, तो कुछ उदाहरण लेकर इस कथन को सत्यापित कीजिए, मतलब समझाइए। तो 2 क्रमागत विषम संख्या लेना है, और विषम संख्या किससे कहते हैं? जो 2 से न कटे। तो एक जो है 2 से नहीं कटता है, अब 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 कट जाता है, अब क्या लेंगे? 3। तो क्रम से लेना था। आगे बोलिए, देखिए क्या बोलता है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अच्छा, योग माने इसका जोड़ होता है, तो जोड़ दिए तो कितना आया? 4। फिर देखिए, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। अच्छा, 3 × 1 = 4, 4 से पूरी पूरी कट जाता है, ये तो सही बोला है। आगे बोला था, किसी तरह उदाहरण देकर इसको सत्यापित कीजिए। तो और विषम संख्या ले लें, विषम संख्या 3 भी विषम संख्या होता है, उसके बाद क्या होगा? 5। इसको जोड़िए, 5 × 3 कितना हो गया? 8। 8 देखे 4 से कट जाता है, हाँ ये भी कट जाता है 2 मर्द में। और भी लेना है तो और ले लीजिए, 5 भी एक विषम संख्या और 7 भी एक विषम संख्या है, तो 7 × 5 = 12, 12 क्या 4 से कटता है? हाँ ये भी कट जाता है, ये भी, यानी किसी भी कंडीशन में वही आ रहा है। ठीक है, सो आपको ये समझ में आ गया हो कि कैसे हम इसको सिद्ध किए हैं कि सच में ऐसा होता है, आपको भी ऐसे किसी को समझाना है। ठीक है गाइस, तो गाइस अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किन व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? अभाज्य गुणनखंड बताए थे ना, अभाज्य गुणनखंड करने पर हमेशा क्या आना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आना चाहिए हमेशा? तो प्राइम नंबर ही आना चाहिए। तो ये देखिए, 24 को ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 क्या प्राइम नंबर है? क्यों नहीं है? क्योंकि 2, 4 जो है 2 × 2 में टूट जाएगा, इसलिए इसका ये अभाज्य गुणनखंड ये नहीं है, क्योंकि 4 एक क्या है? भाज्य संख्या है, न कि अभाज्य संख्या है। अब इसमें देखिए, 56 को ये भी एक अभाज्य, ये भी एक अभाज्य, ये भी दोनों सब के सब अभाज्य संख्या है, यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 70 को देखिएगा, ये भी एक अभाज्य संख्या, ये भी एक अभाज्य, ये भी अभाज्य, यानी कि ये भी एक क्या है? प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 54 को क्या 2 भी एक अभाज्य संख्या, सही है, 3 भी एक अभाज्य संख्या, लेकिन 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये टूट जाएगा अभी 3 × 3 में, तो ये नहीं है, 2 है
और दो नहीं है, दो अभाज्य गुणनखंड है और दो नहीं है। आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। बिना भाग दिए ज्ञात कीजिए कि क्या संख्या 25110 संख्या 45 से विभाज्य है। बिना भाग दिए बताना है कि क्या यह संख्या 45 से डिवाइड है कि नहीं पूरा पूरा। तो हम आपको बताए थे 45 का डीबीटी का रूल नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन उसको को प्राइम फैक्टर में तोड़ने का बता दिए हैं। तो 9 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 9 बचे 45, यानी कि जो संख्या 9 से कटे और 5 से कटे, जो संख्या 9 से कटे और 5 से कटे वो संख्या 45 से भी कटेगा। तो हम आपको 9 का रूल तो पढ़ा दिए हैं, 5 का भी रूल पढ़ा दिए हैं। तो 5 का रूल क्या बताए थे, जिस संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो, इस संख्या के अंत में 5 तो नहीं है लेकिन 0 है, तो ये 5 से तो डिवाइड होगा, ये संख्या 5 से तो डिवाइड है। ठीक है, अब 9 से चेक करते हैं। तो 9 का रूल क्या बताए थे, संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाए तो यही ना संख्या है, इन संख्या का योग कर लीजिए, 2 + 5 + 1 + 1 + 0, इसको जोड़ लीजिए, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 से पूरी कट जाता है, यानी कि ये संख्या जो है 9 से भी कट जा रहा है, 5 से भी कट जाए तो ये संख्या 45 से भी डिवाइड होगा। सो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो गाइस आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। एक संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। एक संख्या क्या है 18 है, जो 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, कट जा रहा है ना, कि ये 9 मर्त में कटेगा और ये 3 6 18 ही कट गया। आगे जो बोलो इसे पढ़ेंगे, ठीक है। एक संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। आगे बोला यह 2 × 3 = 6 से विभाज्य होगा, तो 18 क्या 2 × 3 ऐसे लिखा है ना, = 6 से विभाज्य है, 36 18, वो तो हो जा रहा है, विभाज्य तो है, ठीक है, तो विभाज्य। इसी प्रकार एक संख्या लीजिए 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो 4 और 6 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्या कोई भी लिख लेते हैं, चलिए 36 ले लेते हैं। 36 देखिए 4 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 6 से भी कटेगा। आगे बोल रहा है इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों में से विभाज्य, दोनों से विभाज्य है, ठीक है। 4 और 6 दोनों से, एक 36 संख्या ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं जो 4 और 6 दोनों से कटे, ठीक है, 36 ले लिए। अब इसे काट के देख लिए, 4 9 36 ये हो जाएगा, और ये क्या 6 7 36 कट जा रहा है ना। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं, इस प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, वो लिख लिए 36, तो क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या, कौन संख्या जो 36 माने थे, क्या यह संख्या 24 से भी विभाज्य होगी। देखते हैं 24 विभाज्य होगी, क्या कट रहा है, 36 से 24 से कभी 36 डिवाइड होगा, नहीं होगा। आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिए हैं, विभाज्य होगी, यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उदाहरण दीजिए। ये क्या है, ये 36 में हम लिए है ना, 36 में 24 से कहां डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये उत्तर की पुष्टि कर दे, ये रहा आपका सोल्यूशन, ठीक है गाइस। सो गाइस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कर दीजिएगा, हम आपको समझाएंगे। सो गाइस चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या हूं। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन जो केवल क्या अभाज्य संख्या आएगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा 2, और 2 से छोटी अभाज्य, 2 से बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आता है 7। तो कितना लेना था, 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या ले लिए। देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7 आता है, ठीक है, ले लिए। क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं, क्या बोला था, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या हूं, तो क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं, क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, इसका मान गुणा करेंगे तो संख्या मालूम नहीं चल जाएगा कितना होगा, इसको गुणा कर दीजिए, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6, और 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30, और 30 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 210, तो वह संख्या क्या है 210 है। सो गाइस उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताने का मात्र एक यही तरीका है कि आप लाइक का बटन दबाएंगे, ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा हाँ इतने लोगों को पसंद आया। हाँ अगर आपको अच्छा लगेगा तो और क्या करेंगे, अपने दोस्त अपने फ्रेंड अपने रिलेशन मित्रों के पास क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, शेयर का बटन दीजिए उसे क्लिक कीजिए, अपने व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर किसी पर भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।